गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज शीतल चैप्टर लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं बच्चों को पढ़ने में कहाँ परेशानी आती है, कहाँ पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, पढ़िए। शीतल इज ए गुड गर्ल। मतलब क्या हुआ? शीतल इज ए गुड गर्ल। शीतल है ना जो एक अच्छी लड़की है। बिल्कुल सही। इसके आगे सी गेट्स अप इन टाइम। वह समय पर उठती है। चलिए इसके बाद सी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। वह ब्रश करती है सुबह और रात को। है ना, सुबह और व्रत को, रात को ब्रश करती है। वह सुबह और रात को ब्रश करती है। हाँ, किसको ब्रश करती है? अपने टीथ को। चलिए आगे सी टेक्स ए बाथ एवरी डे। वह प्रतिदिन क्या करती है? टेक ए बाथ मतलब नहाती है। हाँ, स्नान करती है। कब? एवरी डे मतलब रोज। प्रतिदिन स्नान करती है ना, एवरी डे बात करती है। आप क्या एवरी डे बात करते हैं? यस। चलिए सी वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड कॉम्ब हेयर मतलब वह अपने बालों को कंघी करती है। कॉम्ब मतलब होता है कंघी, और साफ सुथरे कपड़े को पहनती है, यानी क्लीन क्लोथ्स को वेयर करती है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी ड्रिंक्स मिल्क एंड ईट ए बनाना इन द मॉर्निंग। वह सुबह में बनाना खाती है और दूध पीती है। ड्रिंक मिल्क्स है ना, यानी दूध पीती है। नेक्स्ट सी गोज टू स्कूल बाय बस। वह बस से स्कूल जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर शीतल स्टडी हार्ड, वह बहुत हार्ड वर्क करती है। गुड। सी लाइक्स टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। वह पिक्चर को ड्रा करना और कलर करना पसंद करती है। समझ में आया? लाइक्स मतलब पसंद करती है। तो सी लाइक्स टू ड्रा। वह पसंद करती है। क्या पसंद करती है? तो पिक्चर को ड्रा करना और क्या कलर करना पसंद करती है। नेक्स्ट सी गेट्स गुड ग्रेड्स। वह अच्छे ग्रेड को प्राप्त करती है। वह अच्छे अंक लाती है। ग्रेड मीन्स अंक। अच्छे ग्रेड्स को लाती है। ग्रेड अलग होता है, अंक अलग होता है। अंक को ही दूसरे रूप में कन्वर्ट करके बोला जाता है। चलिए आगे उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। बिल्कुल सही। हेल्प हर फ्रेंड। वह अपने दोस्त को मदद करती है।